गाइस आज MT15 का करेंगे फ़ोटो शूट। तो फ़ोटो शूट कुछ इस तरीके का होने वाला है, कुछ थोड़ा स्पेशल और कुछ थोड़ा नॉर्मल कॉमन फ़ोटोज़ वाला। तो वीडियो बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो अपने पास जो कैमरा है वो DSLR है, वो है कैनन का 77D, ये देख सकते हो आप। और इसमें लगा है 50mm 1.8 प्राइम लेंस। तो इसी ये बोके इफेक्ट के लिए काफ़ी और चीप प्राइस में आता है, और काफ़ी इसकी जो क्वालिटी और जो है वो बाद में आपको बता देंगे। अगर आप जानना चाहोगे तो कमेंट कर देना कि इसका रिव्यू के लिए कि कैसा क्या लेंस है, कितना क्या रहता है। बाकी पोर्ट्रेट लेंस की फ़ोटोग्राफी के लिए बेस्ट रिकमेंडेड यही है, कम रेट में और बढ़िया रिजल्ट के साथ। तो बाकी अभी अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसका फ़ोटो शूट लेते हैं MT15 का, और थोड़ा कुछ मेरी भी फ़ोटो होंगी इसके साथ में। तो अभी देखते हैं कैसा क्या रहता है और किस तरीके के रिजल्ट रहते हैं। तो वीडियो बने रहना, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और बाकी जो आपका ओपिनियन या कुछ कमेंट या सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, ज़रूर कमेंट करें। तो अभी चले और देरी ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट, और कैमरे को भी कर लेते हैं ऑन। और बैटरी भी इसकी अभी आके देखा मैंने कि चार्ज नहीं की हुई है, क्योंकि काफ़ी टाइम से क्या कुछ महीनों से मैंने काम में नहीं लिया था DSLR को। तो अभी इतना, लेकिन अभी इतना जितना फ़ोटो शूट होने वाला है उसमें आई होप कि काम कर जाए, काम निकल जाए अपना। बाइक की कॉमन फ़ोटोज़ होती हैं, जैसे कि उसका अगर फेस लुक देना है तो उसका एक फेस की फ़ोटो, दूसरा होता है साइड पोज, तीसरा चौथा जो पोज होता है तो उसमें अपन फुल बाइक का पोज ले सकते हैं। बाकी अगर कुछ मॉडल साथ में है, जैसे कोई मेल या फीमेल, तो उसको साथ में बैठा के भी साइड में पोज दूसरा दे सकते हैं। इसमें जो कुछ शॉट्स लिए हैं वो अपन ने बाइक के साथ में है, और बाकी अगर किसी मॉडल के साथ में या मेल फीमेल्स के साथ या किसी पर्सन के साथ में अगर फ़ोटो शूट लेना है तो वो किस तरीके से क्या है, तो कुछ पोज वो भी आपको एग्जाम्पल के तौर पर शो करते हैं। इसके फेस की आगे की तरफ फोटो ले लेते हैं। तो लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी फ़ोटो लो तो कम से कम 5-7 रिजल्ट या उससे ज़्यादा अपने हिसाब से ज़्यादा वो फ़ोटोज़ ले लेना, क्योंकि उसमें फ़ायदा ये रहता है कि जो ठीक लगे फिर अपन उसमें से छांट सकते हैं भाई कौन सी ज़्यादा बेस्ट है, तो वो वाली फ़ोटोज़। तो अभी फ़िलहाल कुछ इस तरीके की फ़ोटोज़ आई हैं, बाकी आपको स्क्रीन पर शो हो ही जाएंगे वीडियो के एंड में या फिर थोड़ा डिस्क्राइब करने के बाद। Yeah.